वीडियोस, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। खत्म हो रहा है कोरोना का डर, शराब की बोतल से युवक पर हमला, सवारी बैठाने को लेकर विवाद। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना महामारी ने जब जिले में दस्तक दी थी तब नहीं लगा था कि जिले में इस रोग के कारण जनजीवन बहुत ज्यादा प्रभावित होगा, लेकिन दूसरी लहर में पहले की तुलना में ज्यादा लोग प्रभावित हुए। दूसरे दौर के आरंभ में कोरोना प्रभावितों का आंकड़ा भी बढ़ा। स्थिति यह हो गई कि कोरोना से मरे लोगों के लिए बनाए गए शमशान घाट में शवों को जलाने की जगह भी नहीं मिल रही थी। जिलाधिकारी संदीप कदम समेत जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई लगातार कोशिशों के बाद अब स्थिति यह बनती दिख रही है कि भंडारा जिले के कोरोना मुक्ति की ओर कदम बढ़ रहे हैं। जिले में 12 सितंबर तक 8,76,110 नागरिकों ने कोरोना वैक्सीन लगाया है। इनमें से पहला डोज लेने वालों की संख्या 6,83,172 है तो दूसरा डोज लेने वालों की संख्या 1,92,938 पर है। कोविडशील्ड टीका लेने वालों की संख्या 4,93,744 है जबकि कोवैक्सीन लेने वालों की संख्या 3,82,366 है। जिले में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने का दर 98.11% रही जो कि बहुत अच्छी बात है। रविवार को 517 लोगों की जांच की गई। 12 सितंबर तक जिले में 4,53,324 लोगों की कोरोना जांच हो चुकी थी। कोरोना को मात देने के लिए टीका की एकमात्र विकल्प है, ऐसे में कोरोना से बचने के लिए टीका लेना बहुत जरूरी है। दूसरी खबर, कोराडी थाना क्षेत्र में दो शराबियों ने एक युवक पर शराब की बोतल से हमला कर दिया। पुलिस ने नूरनगर निवासी दीपक गोविंद सिरसाम की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। आरोपियों में महादुला निवासी लाली उर्फ प्रदीप कोतवाल और सुरल लोलहारे का समावेश है। गोविंद रविवार की शाम कोराडी के सर्विस रोड पर स्थित एक होटल से बिरयानी लेने गया था। वहां से निकलते समय दोनों आरोपियों ने जबरदस्ती दीपक के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। दीपक का साला पास ही खड़ा था, उसने विवाद सुलझाने का प्रयास किया लेकिन आरोपियों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान लाली ने शराब की बोतल से दीपक के सिर पर वार कर उसे जख्मी कर दिया। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तीसरी खबर, वर्धा रोड पर सवारी बैठाने के लिए ऑटो रिक्शा वाले आपस में भिड़ गए। उन्हें देखते हुए आसपास के लोग जमा हुए। किसी ने पुलिस को सूचना दी तो कुछ पुलिस जवान मौके पर आए और दोनों पक्ष को समझाया गया। बाद में सवारियों के कहने पर उनको एक ऑटो रिक्शा में रवाना कर दिया। बाकी ऑटो चालकों को हिदायत देकर विवाद न करने को कहा गया। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखकर डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पर रोजाना खबरें देख सकते हैं। लिंक्डइन, हाइक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। अब आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।